राजस्थान के बड़े बड़े किलों, हवेलियों, देश पर मर मिटने वाले हठीले वीरों, रंगों, त्योहारों, मीठी भाषा और अलग संस्कृति की पहचान को कौन नहीं जानता। पर राजस्थान की शाही हेरिटेज शराब के बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। राजस्थान के पूर्व राजाओं, जागीरदारों और राज परिवारों के लोगों के पीने के लिए अलग तरीके से सूखे मेवों, फलों और जड़ी बूटियों से अलग अलग मौसम को ध्यान में रखकर शराब बनाई जाती थी, जिसे विभिन्न शाही समारोहों में मौसम और मिजाज के हिसाब से परोसा जाता था। विभिन्न राजघरानों में विभिन्न विधियों से इस शाही शराब का निर्माण किया जाता था। लेकिन अब शराब के शौकीन हेरिटेज लिकर को होटल और बार रेस्टोरेंट में भी ले सकेंगे। वित्त विभाग ने सरकार का राजस्व बढ़ाने के सभी मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। वित्त विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए अब हेरिटेज लीकर को भी बार और रेस्टोरेंट में बेचने की अनुमति दे दी है। वहीं अगले महीने से हेरिटेज लीकर को गंगानगर शुगर मिल गिफ्ट पैक में भी तैयार करेगा। वित्त विभाग के निर्देश पर आबकारी विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द बार और रेस्टोरेंट में हेरिटेज ब्रांड की शराब मिलेगी। अभी तक बार और रेस्टोरेंट में अंग्रेजी शराब ही बेचने की अनुमति थी। ऐसी स्थिति में गंगानगर शुगर मिल निर्मित हेरिटेज शराब की बिक्री में गिरावट आ रही थी, क्योंकि उसे बेचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म आबकारी विभाग के पास नहीं था। ऐसे में गंगानगर शुगर मिल के घटते राजस्व को पटरी पर लाने के लिए सरकार के स्तर पर विचार हुआ और आबकारी विभाग ने बार और रेस्टोरेंट में हेरिटेज ब्रांड की शराब को बेचने की अनुमति दे दी। इस साल आबकारी विभाग ने शराब से 11,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार अभी तक अंग्रेजी शराब से राजस्व अर्जन का बड़ा जरिया मानती थी, लेकिन बदलते वक्त और गंगानगर शुगर मिल के बढ़ते घाटे के बाद वित्त विभाग और आबकारी विभाग ने हेरिटेज शराब को बेचने का पैटर्न बदला है। इससे पहले भी हेरिटेज के कई ब्रांड नहीं बिकने के कारण बाजार से बाहर हो चुके हैं। गंगानगर शुगर मिल के अफसरों का कहना है कि हरियाणा में प्राइवेट कंपनियां देसी शराब बेचती हैं और अगर राजस्थान में देसी और हेरिटेज की बिक्री को लेकर अगर सही नीति रही तो आने वाले दिनों में प्राइवेट कंपनियां यहां भी पैर जमा सकती हैं। बहरहाल राजघरानों द्वारा इस शराब बनाने की विधि को गोपनीय भी रखा जाता था, लेकिन अब राजघरानों से शाही शराब बनाने की विधि लेकर राजस्थान के गंगानगर शुगर मिल विभिन्न विधियों द्वारा शाही शराब का उत्पादन कर शराब प्रेमियों के लिए ये शाही शराब बाजार में उपलब्ध कराती है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।